hi people welcome back to my channel so in today's video i am trying the cheapest makeup from amazon under rupees 149 only so uh, i am going to create a very uh, nude makeup so let's get started starting with this uh, inside cup primer ओके okay, सो so ये बहुत ही ज़्यादा पोर फिलिंग प्राइमर है टू मिनट्स अपन वेट करेंगे देन यूजिंग दिस लैक मेगा फाउंडेशन जो सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज़ का है ये मैंने uh, जब लो टू हाई करा अमेजोन पे ना तो सबसे लो ये दिखा रहा था एंड एक एल एटीन का था सो आई थाट कि जब ये मेरे पास है ही दिस वॉज़ माई फर्स्ट फाउंडेशन सो क्यों बाई करना ओके okay, सो so, uh, ये मेरे पास पहले से था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ सो so मैं इसको हैंड से ही ब्लैंड कर रही हूँ इसका बहुत ही मीडियम टू शेयर कवरेज है एंड uh, uh, जितना भी uh, आप ब्लेंड कर सकते हो हैंड से बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है सो so, आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो एंड बहुत uh, सही ब्लेंड हो जाता है ये एंड uh, अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड करना है सो so, फाउंडेशन मैंने ब्लेंड कर लिया उसके बाद मैं ये एक क्वाड ब्लश यूज़ कर रही हूँ जिसका ब्रांड आई थिंक मेकअप एंड मोर था सो so, एक पिंक कलर लेके मैं यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स पे सो so, इसकी पिगमेंटेशन उतनी सही नहीं थी सो so, मुझे दो तीन बार लगे एक नॉर्मल ब्लश लुक लाने में सो अदरवाइज दिस इज़ ओके ये पाउडर ब्लश है एंड देन फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं एंड uh, uh, सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ के सब 149 के अंडर है एंड मैं समर लुक क्रिएट कर रही हूँ तो पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट नहीं लगाना जस्ट ऑन माय टी ज़ोन और जितना भी रह गया है वो थोड़ा थोड़ा फेस पे डैब कर लिया एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस एलानर फ्राम एन वाई बे ये आप मेरे अमेजोन हॉल में देख चुके हैं एंड अगर आपने वो हॉल नहीं देखा उसमें बहुत सही मेकअप प्रोडक्ट्स थे अगर आपने वो हॉल नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी सो दिस इज़ इन द शेड ब्लू लगून देन फिर ये लिपस्टिक है इन साइड कॉस्मेटिक्स की ये सिर्फ नाइन्टी रुपीज़ की है सो so, इसके बहुत ही रिव्यूज़ देखे हैं मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर सो फिर मैंने सोचा लेट इस वाई नॉट ट्राई इट सो फिर मैंने इसको ट्राई किया एंड आई गोट इम्प्रेस मतलब ये थोड़ी सी ड्राइंग है लिप्स पे सो so, uh, मुझे ना ये लिपस्टिक का कलर डार्क लग रहा था सो फिर मैंने उसको डैब डैप करने की कोशिश की बट देन टू मुझे डार्क लगा सो फिर एक हैक है आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने लिपस्टिक पे डैब कर लो एंड आपका शेड एक लाइटर हो जाएगा सो दिस इज़ द हैक आप ट्राई कर सकते हो एंड ये है मास्क का मुश्कारा इसके भी मैंने रिव्यूज़ बहुत सारे देखे थे सो so, बट ये मुझे बहुत सही नहीं लगा आई थिंक आप लोअर लैसेज़ पर तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते आप देख लो कितना मेजडअप हो रहा है एंड बहुत ही क्लम्पी लगने लग गई थी मेरी लैशेज ऑल दो ये आपकी लैशेज़ को लेंथन करता है बट बहुत ही क्लम्पी लगने लग जाती हैं आपके लैशेज़ सो so एक हैक और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आ, कभी भी अगर आपका मशकारा कहीं पर भी आ, लग जाता है तो आप इस पूली या किसी भी पुराने मशकारा के वैंड से आप उसको क्लीन कर सकते हो एंड वो क्लीन हो जाएगा सो so, um, ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं इन दी शेड ग्रे ये बहुत सही आईब्रो पेंसिल है uh, यहाँ पे मैं बहुत ही न्यूट सा समर ग्लोई मेकअप शूट कर रही हूँ एंड होपफुली कि आपको पसंद आए एंड दिस इज़ अ वेरी गुड आईब्रो पेंसिल या बहुत नेचुरल लुक देता है आपकी ब्राउज को एंड uh, बस एक बारी ब्रश कर लिया सो दैट बहुत बुशी लगे बहुत ही ब्रॉड लाइंड ना लगे ब्राउज सो एट लास्ट आई एम यूजिंग अ हाईलाइटर बाय इनसाइड कॉस्मेटिक्स ये एक शैम्पिनिश गोल्ड कलर का हाइलाइटर है एंड आई गॉट इंप्रेस्ड बाय दिस हाइलाइटर वेरी मच एंड बहुत ही ग्लोई डूई सा हाइलाइटर है एंड आपकी फेस को बहुत ग्लोई बना देता है सो इफ़ यू वांट योर मेकअप टू ग्लो इन दिस सो आप ये ट्राई कर सकते हो सबकी अब सारे प्रोडक्ट्स की लिंक होंगी डिस्क्रिप्शन में सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज मैंने एक न्यूड लुक क्रिएट करने की कोशिश करी एंड होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो सो so, ये एक समर इजी पीजी लुक क्रिएट हुआ ये सारे प्रोडक्ट्स टर्न आउट सो वेल इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आ, इस रेंज में प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस में होंगे एंड आई गॉट इम्प्रेस बाय ऑल द प्रोडक्ट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको कोई भी प्रोडक्ट्स पसंद आए हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर से बाय कर सकते हो एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग